खिलखिलाते खूबसूरत से फ्लावर हो जाए गार्डन में और कम देखभाल में ग्रो होते रहें, ऐसी इच्छा लगभग सबकी होती है। हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम। आज मैं आपके साथ एक ऐसे प्लांट के बारे में ही बात करना चाहती हूँ जो आपको बहुत सारे रंगों का ऑप्शन देता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कम देखभाल में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ये है कॉस्मोस का प्लांट। आप देख रहे हैं मेरा कॉस्मोस का प्लांट जो इस वक्त मेरे टेरेस पर ग्रो हो रहा है। आपको याद होगा मेरे चैनल पर एक वीडियो है, हाउ टू ग्रो कॉस्मोस फ्रॉम सीड। ये वही पौधे हैं। डेवलप होने के बाद से मैंने इस कंटेनर में इन पौधों को लगा दिया था, तब से ये इसी में ग्रो हो रहे हैं। अब कंटेनर की बात करूँ तो मैंने कंटेनर के लिए लिया है हाफ कटा हुआ वाटर टैंक, जिसे कंटेनर बनाकर इस्तेमाल किया है, और इसकी मिट्टी कितनी है इसमें ये अंदाज़ा आपको लग गया होगा। मैंने जब से इसे इसमें लगाया है तब से मैं इनकी देखभाल में ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, बस ये लगे हुए हैं, फर्टिलाइजर का ध्यान रखती हूँ और ये ग्रोथ भी ले रहे हैं। कॉस्मोस बहुत सारे रंगों में आता है, लाइट पिंक, डार्क पिंक, शेडेड और येलो, रेड, ऑरेंज, वाइट, इतने सारे रंगों में ये प्लांट मौजूद होता है कि अगर आपने अपने गार्डन में सिर्फ कॉस्मोस की वैरायटी लगा दी तो हर जगह आपको फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखेंगे सभी रंगों में। आसानी से ये डेवलप हो जाता है सीड से, और सीड से बने हुए प्लांट पर बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग होती रहती है। वैसे तो सभी इसको समर सीजन का प्लांट कहते हैं, बट मैं कहूँगी कॉस्मोस 12 महीने आपके गार्डन में ब्लूम करते रहता है। इसका रंग इतना खूबसूरत होता है कि बीज और बटरफ्लाइज बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर आप वेजिटेबल उगाते हैं, फ्रूट प्लांट्स उगाते हैं, तो कॉस्मोस को आपको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। इससे बीज एंड बटरफ्लाइज अट्रैक्ट होंगी और आपके गार्डन में वेजिटेबल एंड फ्लावर के फ्रूट्स की पॉलिनेशन परफेक्टली होगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। रेनी सीजन में और विंटर सीजन में कॉस्मोस अच्छे से डेवलप होते रहता है, उस वक्त भी आप इनके सीडलिंग कर सकते हैं, और गर्मियों से पहले यानी कि अभी फरवरी के महीने में भी आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। गर्मियों में ये बहुत अच्छे से खिलता है। गर्मियों के मौसम का रूखा गर्म तापमान यानी टेम्परेचर इसे बहुत पसंद होता है, उसमें भी ये खिलते रहता है और साल भर बना रहता है आपके गार्डन में। मैं इसे सीजनल नहीं कहूंगी बिकॉज मैंने कॉस्मोस की येलो वैरायटी को भी बहुत लंबे समय तक ग्रो किया है। इस वैरायटी को ग्रो करने का मन था और अब मैं इसमें भी सक्सेसफुल हो गई हूँ। आप मेरे प्लांट की हेल्थ देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरा प्लांट बहुत हेल्दी है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप कॉस्मोस पर ज़्यादा ब्लूम लेना चाहें तो क्या करें। सिंपल है मेथड, आपको इसकी डेड हेडिंग करनी होगी। जैसे ही फ्लावर खिलना शुरू होते हैं 2 से 3 दिनों तक प्लांट पर वो मौजूद रहते हैं, और फिर शुरुआत होती है उनके मुरझाने की, पंखुड़ियाँ मुरझाना शुरू होती हैं। बस इस वक्त आपको इन मुरझाते फूलों को कट करना है, और कट करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आप फूल के पास से नहीं, फ्लावर के बिल्कुल पास से नहीं, बल्कि वहां से कट करें जहां से इसकी स्टेम ग्रो हो रही है। इससे होगा ये कि प्लांट अपनी सारी एनर्जी दूसरे बर्ड्स और फ्लावर्स के लिए लगाएगा, सीड बनाने में नहीं लगाएगा, और आपके प्लांट का लुक भी बहुत अच्छा बना रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये सूखे हुए काटे हुए सीड फेंकना नहीं है, इन्हें आप 2 से 3 दिनों के लिए शेडेड एरिया में रख दीजिए। ठंडी जगह का तापमान इन्हें सुखा देगा और फिर आप इसे स्टोर कर लीजिए सीड के रूप में। कॉस्मोस की पंखुड़ियाँ गिर जाने के बाद बीज वाले हिस्से में होते हैं इनके सीड, और इसका हर फ्लावर अपने आप में एक सीड पॉड है। शेडेड एरिया में सूखने के बाद इसके सीड्स रेडी हो जाते हैं, आप उनको स्टोर कर लीजिए या फिर लगा दीजिए, ये आपकी मर्जी होती है। ये तो बात होगी इसकी डेड हेडिंग की। अब कॉस्मोस को फर्टिलाइज कैसे करना है। गाइज, मैं गोबर की खाद और घर की बनी हुई किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ और उसी का इस्तेमाल करती हूँ अपने गार्डन में प्लांट्स को फर्टिलाइज करने के लिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे जाना पसंद करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि जितनी सिंपल गार्डनिंग होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए, गोबर की खाद और किचन वेस्ट कंपोस्ट दोनों को मैंने एक बड़े कंटेनर में पानी के साथ घोल रखा हुआ है। उस घोल के साथ थोड़ा और पानी ऐड करके मैं अपनी सभी प्लांट्स पर इसी तरीके से लिक्विड बनाकर फर्टिलाइजर देती हूँ, हर 10 से 15 दिन के डिस्टेंस में। इसके अलावा एक बात का ध्यान आपको और रखना होगा कि जब हम रेगुलर वाटरिंग करते हैं तब कॉस्मोस में ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पौधे को सिर्फ और सिर्फ नमी पसंद होती है उसकी जड़ों में, इसके अलावा कुछ नहीं। आप ज़्यादा पानी देंगे तो आप जो फर्टिलाइजर से देते हैं वो भी पानी के साथ बह जाएगा और
आपका प्लांट ओवर वाटरिंग होने की वजह से भी खराब हो सकता है। पेस्ट की बात करूं तो वैसे तो इस पर मैंने बहुत कम डिजीज देखे हैं। मिली बग्स, एफिड्स, ये तो लगभग सभी पौधों पर अटैक करते हैं। शुरुआत से ध्यान रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नीम लिक्विड का स्प्रे काफ़ी अच्छा होता है इस प्लांट के लिए भी। कैटरपिलर इनके फ्लावर्स और पत्तियों को कभी कभी खाने के लिए रेडी होती हैं, बट आप उन्हें हाथों से हटा सकते हैं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता। अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखिए। कॉस्मोस के लिए सनलाइट उसका फर्स्ट फूड है। सनलाइट नहीं होगी तो ये प्लांट अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होगा। मैंने जहाँ इसे रखा हुआ है यहाँ फुल सनलाइट है, दिन भर की बहुत अच्छी धूप आती है और उसी में ये ग्रो भी हो रहा है। बस इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कॉस्मोस के खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों का मज़ा भी लेंगे और आपके गार्डन में हमेशा ये खिलते रहेगा। गाइज, ये इन्फॉर्मेशन थी कॉस्मोस के प्लांट के ऊपर। ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता ये पौधा, पर बहुत अच्छे से खिलता है और बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके फूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।